देवों का दिव्य नगर है। वहां केदारनाथ भी हैं और बद्रीनाथ भी। वहां रहस्यमयी रास्तों के अंत में मौजूद हैं हैरतअंगेज मंजिलें। माणा गांव में जब हम पहुंचे तो यहां पर भ्रमण के दौरान हमें एक गणेश गुफा दिखाई दी। इस गुफा के बारे में कई सारे राज हैं। ये महज एक ग्रंथ नहीं बल्कि महाकाव्य भी इसी में है, वेद भी इसी में है, भागवत पुराण भी इसी में है। ये सरस्वती नदी है। माणा में सरस्वती नदी जिस वेग से बह रही है उसके आवाज से कान गूंज रहे हैं। जहां अनसुनी कहानियों में छुपा है सनातन का सात्विक स्वरूप। एडमंड हिलेरी क्या बोला उन्होंने बद्रीनाथ में कि हिमालय की कुछ कुछ ये पहाड़ियां ऐसे हैं जहां पर पराशक्तियां हैं। लेकिन इन सब के बीच सुनाई देगा दुनिया का सबसे रहस्यमयी दावा। माणा गांव में जो है कुबेर का भंडार है, यहाँ इसीलिए सभी लोग संपन्न हैं। जो इस स्थान पे आ जाएगा वो अन्न धन से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज वो दावा सच्चा निकला तो वहां पूरी दुनिया उमड़ पड़ेगी। दूसरों को छोड़िए, आप भी खुद को वहां जाने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो वहां जाएगा मालामाल हो जाएगा। वहां जाने वाला रंक से राजा हुआ। नर नारायण और कुबेर पर्वत के ठीक नीचे बसा हुआ है माणा गांव। पहले लोगों की आजीविका मुश्किल से चलती थी, लेकिन अब कुबेर जब से यहां पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं तब से यहां के लोग अब सुखी हैं। जिसने आस्था रखी वो सड़क से सिंहासन पर पहुंच गया। मेरे गांव में रिवर्स माइग्रेशन, जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता बसे हैं वो लोग गांव को फिर आबाद कर रहे हैं। यहां पर लोग अपने आजीविका के लिए मन से लगे रहते हैं और धन कुबेर जी देते रहते हैं। बस जानने होंगे कुछ गुप्त मंत्र और फिर ये तो हम बताते नहीं इस चीज को। अच्छा, ये तो सीक्रेट है। कुछ कुछ चीजें अपनी ऐसे हैं बिकॉज सीक्रेट है तो उसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। सैकड़ों गवाहियां, हजारों सबूत, कानों की कुंडी खटखटाकर, आंखों की चौखट लांघकर जब सामने होंगे तब सब कहेंगे यही है। हां, यही है बद्रीनाथ की कुबेर कृपा। आधी हकीकत आधा फसाना। धन संपदा, सुख सुविधाएं, भौतिक सहूलियतें, ये हर इंसान हासिल करना चाहता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हर शख्स दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कर्म और सफलता का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बीच में किस्मत भी एक अहम रोल अदा करती है। इसी वजह से कुछ लोगों की धूल भी सोना बन जाती है और कुछ का काया तोड़ परिश्रम भी पीतल रह जाता है। ऐसी स्थिति में चमत्कार बनकर आता है एक गांव। कहते हैं उस गांव में कदम रखते ही किस्मत चमकने लगती है। वहां जाने वाला रंक से राजा बन जाता है। पढ़ाई, नौकरी, ऊंचा पद, व्यापार, वो जिस भी क्षेत्र में कोशिश करता है सफलता उसे जरूर मिलती है। दावा करने वालों के मुताबिक वो खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है देवों की नगरी में कुबेर कृपा का सच। जादू है, मंत्र है,
तपस्या का तंत्र है, सिद्धि का सात्विक मार्ग है, या ईश्वर के सानिध्य में रहने का संकल्प? क्या है ये पता नहीं, लेकिन कुबेर की कृपा अचानक माणा गांव पर बरसने लगी। कुछ दशक पहले तक यहां के लोग आम जरूरतों के भी मोहताज थे, लेकिन फिर कुछ हुआ जिसके बाद यहां की गलियां सिक्कों की खनक से गूंजने लगी। किस्मत ने अचानक यू टर्न लिया और यहां का हर बाशिंदा अमीर और आबाद हो गया। कुछ दशक पहले माणा गांव में क्या हुआ था? क्या वाकई गांव का हर गरीब अमीर हो गया? क्या वहां जाने वाले हर शख्स पर कुबेर प्रसन्न हो जाते हैं? वो कौन से गुप्त मंत्र हैं जिनसे कुबेर का आह्वान किया जाता है? सरस्वती नदी सिर्फ वहीं क्यों दिखाई देती है? सनातनियों के लिए ये स्थान क्यों विशेष है? इन सारे रहस्यों को सुलझाने हम पहुंच गए माणा गांव। भारत चीन सीमा पर एक सीमांत गांव है माणा। यानी इस माणा के बारे में कई सारी किंवदंतियां हैं। लोग कहते हैं कि इस गांव में साक्षात कुबेर वास करते हैं। पहले ये गांव जीर्ण शीर्ण था, ना यहां पर रोजगार था, ना यहां पर लोगों को खाने पीने की समुचित व्यवस्था थी और ना ही उनकी आजीविका थी। लेकिन उसके बाद अचानक से परिवर्तन हुआ, कायाकल्प हुई। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अब साक्षात कुबेर का वास है और कुबेर उनके ऊपर धन वर्षा करते हैं और उनके आज के इस दौर में वो लोग पूरी तरह से संपन्न हैं। ये हम नहीं मानते, ये यहाँ के लोगों का दावा है। तो चलते हैं, ये पता करते हैं कि ये जो लोगों ने हमसे कहा या फिर हमें जो जानकारी मिली, इसकी पड़ताल करने के बाद कितना सच बाहर आता है। चलिए, यहां के रहस्यों को समझने के लिए पहले आपको माणा गांव को हर छोर से समझना होगा। भारत चीन सीमा से लगभग 24 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले का हिस्सा है। हिमालय की पहाड़ियों से घिरे इस गांव का इतिहास हजारों साल पुराना है। मान्यता के मुताबिक भगवान शिव के अनन्य भक्त मणिभद्र देव के नाम पर यह गांव माणा कहलाया। माणा के चारों तरफ देवताओं का वास माना जाता है। माणा से 3 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ धाम। पौराणिक कहानियों के मुताबिक सतयुग से पहले बद्रीनाथ धाम शिव परिवार का निवास स्थान था, जहां भगवान विष्णु ने बालक रूप में लीला रचाई और ये स्थान ले लिया, जिसके बाद भगवान शंकर मां पार्वती के साथ केदारनाथ में जाकर बस गए। स्कंद पुराण के मुताबिक विष्णु वहीं ध्यान में लीन हो गए। उसी दौरान वहां भारी बर्फबारी हुई, तब माता लक्ष्मी ने पेड़ का रूप लेकर उन्हें ढक लिया। लक्ष्मी जी ने यहाँ बेर वृक्ष बन करके भगवान नारायण की सेवा की थी, क्योंकि ये जो ये हमारे भारतवर्ष में चार धाम हैं और चार पुरुषार्थ भी हैं मनुष्य के, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष का धाम है बद्री का आश्रम, और जो हमारे भारतवर्ष में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में चार धाम हैं, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, जगन्नाथ और द्वारिका। और बद्रिकाश्रम में भगवान के आप जिन दर्शन किए हैं उनके ठीक बगल पे खंभे में कुबेर जी विराजमान हैं। तो यदि इस क्षेत्र कुबेर से संबंधित न होता तो भगवान बद्री विशाल जी के साथ में कुबेर की आवश्यकता क्या थी वहाँ, क्योंकि कुबेर जी आज से नहीं है, अनादिकाल से कुबेर जी का वहाँ कुबेर जी वहाँ विराजमान हैं। तपस्या खत्म होने पर भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को बद्री
यानी बेर के पेड़ के रूप में देखा और फिर प्रसन्न होकर उस स्थान का नाम बद्रीनाथ रख दिया। बद्रीनाथ धाम से माणा गांव का विशेष नाता है। बद्रीनाथ धाम 6 महीने के लिए बंद रहता है। उसी समय माणा के लोग भी गांव छोड़कर निचले स्थानों पर चले जाते हैं। ये क्या चीज है आपके हाथ में? ये मफलर है। हाँ। ये मफलर है, ये हम बद्रीनाथ जी के लिए बनाते हैं। 6 महीना रेशम पहनते हैं, 6 महीना हमारा ये ऊनी कपड़ा पहनते हैं। ये कैसे बनाते हैं आप लोग? ये बनाते हैं, हम काटते हैं, सूत बनाते हैं, काटते हैं, फिर बनाते हैं, उससे हाथ से बनाते हैं। ये बद्री विशाल को चढ़ता है? चढ़ता है। अच्छा। 6 महीना ये पहनता है, 6 महीना रेशम पहनता है बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी ये हम लोग देते हैं बना के। अच्छा। व्रत के दिन बनाते हैं हम, उस दिन फास्ट रखते हैं, जिस दिन ये बनाते हैं। अच्छा। फास्ट रखते हैं तब बनाते हैं, वैसे नहीं बनाते। इसीलिए आपका गाँव कुबेर का गाँव है? हमारा कुबेर का गाँव तो है ही है। कहते हैं गांव पर बद्रीनाथ, कुबेर और उनके भाई घंटाकरण की विशेष कृपा है। माणा गांव में ये घंटाकरण भगवान का मंदिर है। स्थानीय लोग इन्हें अपना रक्षक मानते हैं, क्षेत्रपाल मानते हैं। यहां पर रोजाना पूजा होती है और सबसे बड़ी चीज ये कि घंटाकरण को कुबेर के भाई के रूप में भी यहां पर पूजा जाता है। ये कहा जाता है कि घंटाकरण इनके पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, इनके रोग विनाशक हैं। उसके अलावा इन्हें धन धान्य से पूर्ण करते हैं, क्योंकि दोनों भाई घंटाकरण और कुबेर में एक रोग निवासक हैं तो दूसरे धन वर्षा करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी हमेशा पूजा की जाती है। 15 नवंबर को जब यहाँ पर आखिरी पूजा होती है, जिसके बाद यहाँ से घंटाकरण को किसी अदृश्य जगह पर ले जाया जाता है। नवंबर में गांव वाले घंटाकरण को विशेष स्थान पर ले जाते हैं। उस जगह को बाहरी लोगों से गुप्त रखा जाता है। तो घंटाकरण जी का जो ये मूर्ति है, इसको कहाँ स्थापित करते हैं, कहीं ले जाते हैं? ये तो हम बताते नहीं, इस चीज़ को। अच्छा, ये सीक्रेट है। हाँ, ये सीक्रेट नहीं, ऐसे हैं देखो, सीक्रेट है तो उसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। हाँ, घंटाकरण जी की मूर्ति को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, वो अज्ञातवास पे, 6 महीने अज्ञातवास पे। दबी जबान में कुछ लोग ये बताते हैं कि उस गुप्त स्थान में गांव वाले तंत्र मंत्र के जरिए विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले तेजी से समृद्ध होने लगे। फिर भी हमारा सवाल वही था, ये तंत्र मंत्र और गुप्त अनुष्ठान क्या कुछ दशक पहले शुरू हुए? क्या उन्हें जंगल में या कुबेर पहाड़ पर ऋषियों की कोई प्राचीन पांडुलिपि मिल गई, जिसे गांव वालों ने आज भी गुप्त रखा है? आप लोग बाहर के लोगों को अगर यहां पर बस जाए कोई, तो चाहेंगे कि कुबेर की छत्र छाया उनके ऊपर भी आ जाए? ना ना, कुबेर की छत्र छाया उनका आशीर्वाद बना रहे, लेकिन हम बाहर के लोगों को, क्योंकि हम अपने बिजनेस में लोगों का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। अब आप माणा गांव में देखिए तो यहां कोई भी बाहर का नहीं है, और गांव में तो है बाहर के, परंतु अभी बद्री का समय यहाँ माणा गांव में बाहर का आपको एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं कि माणा गांव के लोग कुबेर के खजाने के बारे में बाहर वालों को नहीं बताते? ना, वैसे सबको पता है, सबको पता है महाराज कि कह करके माणा गांव में जो है कुबेर का भंडार है। जी हाँ, ये तो सबको पता है महाराज जी, कुछ ना कुछ दया दृष्टि तो कुबेर भगवान की तो है। मान्यता के मुताबिक माणा और बद्रीनाथ धाम के पास कुबेर का भी निवास था। कवि कालिदास ने मेघदूतम नाम का एक काव्य लिखा है, और वसति रलका नाम यक्षेश्वराणाम बाह्योद्यान शरण चकिता चंद्रिका द्योत्य हरमह। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर अलकापुरी पड़ती है, और पुराणों में तथा कवि कालिदास जी के द्वारा वर्णित मेघदूत में इसको कुबेर का भंडार, कुबेर की राजधानी कहा गया है। इसी के ठीक नज़दीक कंचन गंगा निकलती है। कंचन कहते हैं संस्कृत में स्वर्ण को, सोने को। तो कभी समय में इस स्थान से सोना निकलता रहा होगा, इसलिए उसका नाम कंचन गंगा पड़ता है। ठीक इसी के मूल से निकलता है वो नदी, बद्रीनाथ से ठीक 1 किलोमीटर थोड़ा नीचे, इसलिए इसको जो है कुबेर भंडार, कुबेर की नगरी कहा जाता है।
गांव वालों का दावा है कि माणा पर कुबेर की विशेष कृपा। कई साल पहले आप लोगों की स्थिति ऐसी नहीं थी, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति बढ़ गई। धीरे धीरे स्थिति बढ़ गई, सब कर रहे अपना रोजगार लग गए क्या। पहले ऐसा नहीं था, पहले नहीं करते थे, था भी नहीं उतना। पहले तो कम होता था कारोबार, अब अच्छा होता है। पहले था ही नहीं, खेती कमा दिया, लकड़ी ला दिया, घास ला दिया। तो अब कुबेर का आशीर्वाद आ गया तो अब ठीक तो हो रहा है। कुबेर तो हमारा हमेशा ही था। अच्छा, अभी का थोड़ी पहले का ही था। हमारा सवाल ये था कि कुबेर का निवास तो यहाँ हजारों साल से होगा, फिर उनकी कृपा चंद दशक पहले से ही क्यों मिलनी शुरू हुई? आखिर उस वक्त यहाँ ऐसा क्या हुआ था? पहले इतना लोगों का घर नहीं बनता था, यहाँ पर काम नहीं होता था, रोजगार नहीं था। अब ठीक है? अब ठीक है, बहुत अच्छे थे। पहले जमाने अपना उससे गरीबी था, बकरी था, बकरी से जाता था, गाय था, चौड़ था, तिब्बत जाता था, तिब्बत से व्यापार करके आता था। तब तो उस टाइम गरीबी लगना था, अब सब कुछ ठीक है। तो अब कुबेर का ऊपर का पर्वत भी ऊपर से आशीर्वाद रखता है, उधर से भी, उधर से भी। कुबेर तो उधर उधर है, ये है क्या बोलो, नर पर्वत है। अच्छा, ये नर पर्वत, नारायण पर्वत है बद्री विशाल। गाँव वालों का दावा है कि कुबेर उस पहाड़ में आज भी रहते हैं और वहीं किसी गुप्त स्थान में आज भी कुबेर की अकूत संपदा छुपी हुई है। मेरे ठीक पीछे आपको बड़ी बड़ी ऊंचाई में पहाड़ियां नजर आ रही हैं। इन्हें यहां पर कोई लोकल लैंग्वेज में पहाड़ी नहीं कहा जाता, बल्कि इन्हें एक एक नाम दिया गया है। जो ठीक मेरे पीछे ये आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये एरावत हाथी, इसे इसका नाम दिया गया है, जिसकी सूंड आती है और सूंड नीचे नदियों के संगम के पास मिलती है, जहाँ पर सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम होता है। वहीं दूसरी तरफ अलकापुरी, जो कुबेर के खजाने से जुड़ी है, कुबेर के खजाने से जुड़ी हुई है, कुबेर का भंडार है, वो सामने वो दूर पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर अलकापुरी कहा जाता है। और इसीलिए इस गांव के बारे में ये कथन है, यहाँ के लोग इसे कहते हैं कि ये कुबेर का भंडार इस गांव के ऊपर बरसता है और इसीलिए यहाँ के लोग धनवान होते हैं और जो भी यहाँ पर आया वो अमीर होता है। रहस्य की तलाश में हम गांव के पास बने एक मंदिर तक पहुंच गए और वहां हमें कुछ ऐसा दिव्य दिखा जिसे देखने के लिए लोगों की आंखें तरस जाती हैं। पौराणिक काल के ये साक्ष्य माणा गांव को और दिव्य बनाते हैं। माणा गांव में कई लोगों ने हमें बताया कि ये कुबेर का गांव है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी चीजें भी जुड़ी हुई हैं जो पांडव कालीन है। पांडव जब यहां पर पहुंचे थे और यहां से स्वर्ग रोहिणी की तरफ जा रहे थे, तो ठीक इसके नीचे यहाँ पर सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी पूरे वेग से आज भी बह रही है, उस दौरान भी बह रही थी। और देखिए, सरस्वती नदी को पार करने के लिए पांचों पांडव जैसे ही द्रौपदी के साथ कोशिश कर रहे थे तो वो जा नहीं पा रहे थे, पार नहीं कर पा रहे थे। उसी दौरान युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि इसमें कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे हम स्वर्ग रोहिणी की तरफ जा सकें और सरस्वती नदी के वेग को पार करके जा सकें। और उसी समय भीम ने एक विशालकाय पत्थर उठाया और ठीक सरस्वती नदी के ऊपर रखा गया है उस पत्थर को। और यहाँ पर से आप देखेंगे, भीम के पत्थर रखने के बाद इसको पार करके स्वर्ग रोहिणी की तरफ गए, क्योंकि यहाँ से स्वर्ग रोहिणी ठीक ऊपर की तरफ है। बलशाली भीम भी सरस्वती नदी का वेग नहीं थाम पाए, लेकिन बाद में सरस्वती नदी को एक श्राप मिला जिसकी वजह से अपने वेग सहित वो धरती में विलीन हो गई। ये सरस्वती नदी है, माणा में सरस्वती नदी जिस वेग से बह रही है उसके आवाज से कान गूंज रहे हैं। कहा जाता है कि जब वेद व्यास और भगवान श्री गणेश महाकाव्य महाभारत की रचना कर रहे थे तो उसी दौरान सरस्वती नदी अपने पूरे वेग और शोर के साथ बह रही थी, जिसकी वजह से वो महाकाव्य लिखने में असमर्थ हो रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि जब परेशान हो गए और उन्होंने उसके बाद सरस्वती से विनती की और ये कहा कि वो अपने इस शोर को कम करे जिसकी वजह से वो महाकाव्य को लिख सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। और जिसके बाद गुस्से में नाराज होकर उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया, जिसके बाद सरस्वती
इस जगह से निकलकर पाताल लोक में चले गए और वहां से सीधा दूसरी जगह प्रयाग में निकली। सरस्वती नदी इस जगह के बाद लुप्त हो जाती है, ठीक जैसा पौराणिक कहानी में बताया गया है। उस लिहाज से महर्षि वेद व्यास का स्थान भी पास ही होना चाहिए। हमने तलाश शुरू की। महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वापायन था। फिर वो वेद व्यास क्यों कहलाए? मान्यता के मुताबिक परब्रह्म ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के चार महर्षियों को वेदों का ज्ञान दिया था। उसके बाद ये श्रुत यानी सुनकर और स्मृति यानी याद रखकर आगे बढ़ाया जाता रहा। द्वापर के अंतिम काल में महर्षि कृष्ण द्वापायन ने अपनी दिव्य दृष्टि कलयुग पर डाली। उन्हें कलयुग में मनुष्यों की अल्प बुद्धि, अल्प स्मरण शक्ति और धर्म से विमुख होने का आभास हो गया। इसलिए उन्होंने वेद का लिखित संकलन किया और उसका चार भागों में व्यास यानी बंटवारा कर दिया। इसी वजह से महर्षि कृष्ण द्वापायन का नाम वेद व्यास पड़ा। मान्यता के मुताबिक माणा ही वो जगह है जहां वेद व्यास ने यह सारी रचना की थी और उसी जगह की हमें तलाश थी। सरस्वती नदी के कलरव को पीछे छोड़कर हम वेद व्यास की गुफा तलाश रहे थे। कुछ देर बाद हमें एक और दिव्य स्थान दिखा। यहां सत्युग का वो सत्व आज भी सांसें लेता है जो कलयुग में सनातनियों को रास्ता दिखाता है। ये अनादिकाल से बना हुआ मंदिर है, प्राचीन है और गणेश जी की जो मूर्ति इस मंदिर के अंदर स्थित है काफी पुरानी है। इसके बारे में कोई समय नहीं है, अनिश्चित समय है। और ये कहा जाता है कि व्यास जी के निर्देशन में गणेश जी ने यहीं पर बैठकर महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। और आप अंदर देखिए, इतनी प्राचीन मूर्ति है और भव्य एक अलौकिक शक्ति यहाँ से निकलती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और ये जो कुछ भी यहाँ पर इतने सालों से है उसको आज भी इसी तरह से बरकरार रखा गया है। भक्तों की रोजाना सैकड़ों की तादाद पर भीड़ यहाँ पर आती है दर्शन के लिए और लोग जानना चाहते हैं कि महाकाव्य जो महाभारत लिखा गया था वो इतने लंबे समय से अब तक उसके यहाँ पर जो अवशेष हैं या फिर जो कहा जाए कि सबूत हैं वो इस मंदिर में आज भी दिखाई देते हैं। गणेश गुफा के बाद हम वेद व्यास के स्थान पर पहुंचे। हम अक्सर जो पुजारी होते हैं उनके पास एक पोथी देखते हैं जो लाल रंग की होती है, लेकिन माणा के इस गांव में वेद व्यास की जो गुफा है वहां पर गुफा के ठीक चारों तरफ ये पोथी जैसी पोथीनुमा ग्रंथ है, इसे यहां पर कहा जा रहा है। और ये बिल्कुल उसी तरह से है कि एक पेज के ऊपर दूसरा पेज और ऐसे रखते रखते ये काफ़ी बड़ा जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये वो पोथी है। ये महज एक ग्रंथ नहीं बल्कि महाकाव्य भी इसी में है, वेद भी इसी में है, भागवत पुराण भी इसी में है। और जो वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी वो सब इसी ग्रंथ में है। चट्टानों पर ऐसे निशान पड़ना किसी भौगोलिक क्रिया का नतीजा हो सकता है, लेकिन खास बात यह कि दूर दूर तक किसी भी पहाड़ पर ऐसे निशान नहीं मिलते। चट्टानों की धारियां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल किताब को वहां रखकर चट्टान का रूप दे दिया गया। हमने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा की। हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं सबकी रचना यहीं पे की थी। केवल महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी की स्तुति इसलिए करनी पड़ी, कलयुग आने वाला था, द्वापर का अंतिम समय था, इतना जल्दी कौन लिख पाएगा। द्वाभ्याम अष्टाभ्याम भी लिख्य, कौन दोनों हाथों से लिखेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे माहिर तो गणेश जी हैं,
तो यहाँ से वेदव्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। जितने भी हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ वेद पुराण इसी में हमारा छिपे हुए हैं। आप देख रहे हैं लाइन देख रहे हैं, अब आप बाहर से देखेंगे ना तो साफ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। तो ये व्यास पोथी है महाराज, आपने बतल लिखा भी है। हाँ, व्यास पोथी, पुस्तक, पोथी माने पुस्तक। मौका देखकर हमने उस बात का जिक्र भी छेड़ दिया जिसके लिए हम इतनी दूर आए थे। इस गांव को कुबेर का गांव कहते हैं कि हाँ, अमीर बन जाता है जो भी आता है। जी 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 जी, ये कुबेर क्षेत्र है महाराज जी। ये यहाँ पे जो बद्री विशाल में घंटाकर्ण है ना क्षेत्रपाल, तो उनके भाई हैं कुबेर जी। तो वैसे साक्षात है भ्राताश्री कि जो इस स्थान पे आ जाएगा वो अन्न धन से परिपूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पता चला कि वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, इसलिए उनके झूठ बोलने की गुंजाइश कम थी। मंदिर में भीड़ होने की वजह से हम उनको बाहर ले गए और सवालों के जरिए सुराग तलाशने की कोशिश की। कुबेर का यहाँ पूरे गांव में वास है, तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? कई लोग हमने देखा, उनकी शैली अभी भी अजीब कम है। वैसे भ्राताश्री अब तो केवल 2-5% रह गए, अब नहीं है यहाँ गरीब जी। अब यहाँ कोई गरीब है ही नहीं, माने जो आप जिसको आप गरीब कह रहे हैं ना, उसके पास भी अब शादियों में, अगर आप यहाँ शादियों में रहे, माणा गांव में अगर किसी की शादी होगी, चाहे देहरादून में हो, चाहे गोपेश्वर में हो, चाहे, तो उनका सोना देख लीजिए, उतने हमारे पास नहीं होगा सोना जितने माना गांव वाले के लोगों के पास सोना होगा जी। तो कहाँ गरीब रहे। दूसरी बात, जो आज माना गांव के लोग इतनी अच्छी पोस्टों पे हैं, इतने अच्छे स्थानों पे हैं, उतने हमारे लोग नहीं हैं। तो ये कुबेर की महिमा है और भगवान बद्री विशाल की महिमा है। हमें लगा कि गांव वालों की मेहनत ने उनकी किस्मत के दरवाजे खोल दिए होंगे, जिसे कुबेर की कृपा मान लिया गया। लेकिन गांव वालों ने कहा कि सिर्फ मेहनत का असर होता तो सब लोग सफल क्यों नहीं हो गए? कुबेर का बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन मैं ये बोलूंगा खाली कुबेर के भरोसे रहूंगा तो ये भी इम्पॉसिबल है। एफर्ट तो मुझे करने पड़ेंगे, कर्म मुझे कर्म प्रधान है, और धन कुबेर जी देते रहते हैं। मेरे गांव में आपको कोई भी मांगते हुए नहीं, मतलब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। सही प्रॉस्परस लोग हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट में भी ज़्यादा रहे। आज मेरे गांव में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा, पलायन जो है वापस हो रहा है। जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता बचे हैं वो लोग गांव को फिर आबाद कर रहे हैं, क्योंकि इस गाँव में पोटेंशियल बहुत है, आगे करने की बहुत वो है, और कर भी रहे लोग। उनके मुताबिक इस पूरे क्षेत्र में कुबेर और दूसरी दैवीय शक्तियों का वास है, और इसे साबित करने के लिए वो पहाड़ों में प्रचलित एक कहानी का सहारा लेते हैं। 1979 की बात है, एडमंड हिलेरी, उनका एक स्काई टू ओशन एक एक्सपीडिशन चला था कलकत्ता से लेकर हिमालय की ओर बद्रीनाथ में। उन्होंने कहा इस कुबेर पर्वत को मैंने चढ़ना है, लेकिन एडमंड हिलेरी उस पीक को स्केल नहीं कर पाए। फाइनली उन्होंने अपना आइडिया ड्रॉप करके क्या बोला उन्होंने बद्रीनाथ में, कि हिमालय की कुछ ये पहाड़ियाँ ऐसे हैं जहाँ पर पराशक्तियाँ हैं, उन्हीं पराशक्तियों के कारण मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया कि मैं नर पर्वत पर चढ़ाई नहीं करूँगा। सारे सवाल घूम फिर कर शून्य पर लौट आए थे। क्या वाकई माणा के लोग अचानक अमीर होने लगे? कुछ दशक पहले यहाँ क्या हुआ था, और क्या यहाँ आने वाला हर शख्स घर लौटकर अमीर हो जाता है? ये जानने के लिए हमने घर घर जाकर कहानी की कड़ियां जोड़नी शुरू की। क्या आप लोगों को पहले काफी दरिद्रता का सामना करना पड़ा और अचानक अब आप लोगों की स्थिति सुख संपन्न हो गई है? नहीं, पहले की अपेक्षा तो अब तो बहुत बढ़िया हो गया। हर किसी के जो है रहने और उसकी व्यवस्था सही है। पहले हम यहाँ पर लकड़ी के मकान पर रहते थे, चारों तरफ आप देखिए मकान अच्छा बन गया है, रोड सही है।
माणा में भेटिया जनजाति के लोग रहते थे, जो तिब्बत से ऊन, नमक, मसाले और अनाज जैसी चीजों का व्यापार करते थे। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद व्यापार बंद हो गया। तब गांव वालों ने आय के दूसरे जरिए तलाशे। 1962 से पहले हम लोग व्यापारी वर्ग के लोग रहे हैं। भारत तिब्बत से हमारा व्यापारिक संबंध था। पहाड़ के लोगों को नमक हम देते थे और सुहागा हम देते थे रामनगर के व्यापारियों को, गुरुद्वार के व्यापारियों को, इस रिश्के हरिद्वार के व्यापारियों को सुहागा हम वहाँ से लाते थे तिब्बत से। लेकिन 1962 के बाद जब व्यापार बिल्कुल ही समाप्त हुआ भारत तिब्बत के साथ, फिर हमारा जो स्ट्रीम होगा, जो बिल्कुल पढ़ने वाला जो एक वर्ग है, वो पूरा पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान रहा। फिर हम लाइव स्टॉक वाले थे, हमारे पास लाइव स्टॉक हुआ करता था, बकरी थे, भेड़ थे, आपके याक थे, ट्रांसपोर्टेशन, बद्रीनाथ की आधी यात्रा तो हमारे द्वारा होता, जोशीमठ से ऊपर रोड की पूरी व्यवस्था हम करते थे। 1962 से पहले दूसरे देश से व्यापार और अब नौकरी और खुद की दुकान। लेकिन इस कहानी में अमीर होने की कुंजी कहां छुपी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमेशा से समृद्ध रहे हों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कहानी बुनी गई हो? ये कहने पर एक शख्स हमें अपने पुराने घर ले गया। पुराना एक स्ट्रक्चर घर है, तकरीबन 1.5 फीट की ये दीवार है। 1.5 फीट की दीवार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि पहाड़ों में अगर लोग रहते हैं तो 1.5 फीट की दीवार में जो टेम्परेचर है वो सामान्य बना रहता है। और छत देखिए, छत ये तिरपाल वाली छत है, इसके ऊपर लकड़ी है, लेकिन तिरपाल इससे लगाई है कि बारिश का पानी यहाँ ना आए। ये जो हमारे 7 सदस्य हैं, इनसे पूछते हैं, आप लोग कितने सालों से इस घर के अंदर रह रहे थे? हम तो बाई बर्थ हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने अपना जो कमाना शुरू किया इन्हीं कमरे से शुरू किया मैंने। अब इसका मैंने अब क्या करते, इनका दरवाजा बाहर से निकालते, पहले दरवाजा अंदर अंदर होते हुआ करता था और छोटे छोटे थे, करीब 3 फीट के दरवाजे थे इसमें। अभी ये लकड़ी ऐसे ही है, लकड़ी के बीच आगे से मैंने तिरपाल रखा है ताकि वो मिट्टी हमारे ऊपर ना गिरे, और ऊपर से मैंने GIC रखा है। अभी तक ये देवदार की लकड़ी एज इट इज है। उनके दावे को परखने के लिए हम उनके नए घर भी गए। कंक्रीट का घर है, सीमांत गांव में आपको कंक्रीट के घर बिल्कुल नहीं के बराबर मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ की स्थिति बदल रही है। इस बड़े से घर में ये परिवार रहते हैं, इनके पास सुख सुविधाएं सारी हैं। ये सब इसलिए क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर जब वो आए थे तो बिल्कुल इस तरह की स्थिति नहीं थी कि इस घर में या इसके अलावा जो दूसरे घर हैं वहाँ रह सकें, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली है। कुबेर का उनके ऊपर आशीर्वाद रहा है और अब वो सुख संपत्ति वाले हो चुके हैं। कच्चे मकान से विशाल पक्के मकान का सफर कैसे तय हुआ और क्या समृद्धि की ऐसी कहानी गांव के हर घर की है या कुछ घरों तक सीमित है, ये जानने के लिए हमने पूरे गांव को छानना शुरू किया। माणा गांव में पहले की तस्वीर बिल्कुल अलग थी और अब यहां पर काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अलग है। पहले के जो घर होते थे वो इस तरह के घर थे। देखिए, छोटे से दरवाजे, तकरीबन 4-4.5 फीट के दरवाजे थे और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ऐसा था जो सीमांत गांव में होता है, क्योंकि इन गांवों में कभी भी इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं और इसीलिए ये स्ट्रक्चर इतना हल्का फुल्का और बिल्कुल कमज़ोर होता था, क्योंकि यहां पर ना सुविधाएं पहुंच पाती थी और ना ही यहां पर लोग दूसरे राज्यों से या दूसरे जो शहर थे उनसे संपर्क कर पाते थे। लेकिन भारत और चीन सीमा पर जो स्थित ये माणा गाँव है, वहाँ पर इसी तरह से लोगों का रहन सहन था। पुराने ये खपरेल कहा जाता है, ये पुराने घर थे। गांव की गलियां उसकी विपन्नता का सबूत थी, तो वहीं सोलर पैनल, टाइल्स और नए रंग रोगन से सजे पक्के मकान उसके मालिकों की बढ़ती समृद्धि के गवाह थे। घूमते वक्त हमें एक विशाल गेस्ट हाउस दिखाई दिया। इतनी ऊंचाई पर ऐसी विशाल इमारत दिखने की उम्मीद नहीं थी। हमने उसके मालिक से मुलाकात की।
कुबेर जी जो हैं असुर जाति में पैदा होने के बावजूद बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने इस क्षेत्र में तपस्या की। बद्री विशाल ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको अपना कोषाध्यक्ष बनाया, तो इसलिए भगवान कुबेर को धन कुबेर भी कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है सामने अलकापुरी, ये पूरा क्षेत्र जो है राजधानी भगवान कुबेर की है। उनके सानिध्य में जो भी रहेगा तो वो जो है धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा ही रहेगा। हमने पूछा कि गांव में क्या और लोग भी आपकी तरह संपन्न हैं? मैं ये कहूँगा वस्तुतः आज के परिप्रेक्ष्य में लगभग सभी लोग संपन्न हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ प्रवास के दौरान बेंगलोर से अभी कुछ आए थे, दो दिन का उनका प्रवास था, वो पाँच दिन रहे, तो वो लोग जुड़े हुए थे ईसा योग से, क्योंकि वो मेडिटेशन के मास्टर हैं, वो जानते हैं। तो उसने जो मेरे को बताया अपने शब्दों में, उन्होंने कहा है कि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी एनर्जी पॉजिटिव यहाँ इस क्षेत्र में मिलती है। हम तो बहुत जगह घूम के आए हैं देश विदेश और हिंदुस्तान में भी, आज हमारा भी लगभग 15 दिन का उनका अलग अलग जगह पे। रंग से राजा बनने की कहानी यहाँ लगभग सबकी थी, लेकिन उसका राज बताने के लिए कोई तैयार नहीं था। आधी हकीकत आधा फसाना। माणा के पुराने घर, पुरानी तस्वीरें और रहन सहन को हमने देखा, फिर आज के उनके हालात से तुलना की। ये तो लगने लगा था कि लोगों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन ये कुबेर का चमत्कार था या बदलते वक्त और उनकी मेहनत का असर, ये समझना बाकी था। ऊपर से ये दावा कि माणा में जो आएगा वो वापस अपने घर मालामाल होकर जाएगा, इसे कैसे सुलझाया जाए? हम ये सोच ही रहे थे कि एक शख्स ने कुबेर को प्रसन्न करने वाले कुछ मंत्र बताए और फिर वो कुछ ऐसा बोल गए जिसने हमें माणा की समृद्धि का रास्ता दिखा दिया। हम जिस भी रास्ते पर चले, हर जगह विकास और बदलाव के निशान मौजूद थे। समृद्धि के साथ तेज दौड़ता आज का माणा बीते कल के गांव को साथ लिए खड़ा था और इन दोनों के बीच खड़ी थी कुबेर की कृपा। बिल्कुल कुबेर की नगरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जो अपनी आजीविका करते हैं तो जो भी हमारा इस धनोपार्जन होता है या तो उससे हम फुल संतुष्ट हैं। यहाँ पर जो भी आता है वो कभी भी कोई भी भूखा नहीं जाता है और यहाँ से वो ग्रेसिंग भगवान के आशीर्वाद लेके वो घर में जाते हैं और वो बिल्कुल रोग है तो रोग से मुक्त हो जाते हैं, ऋण है तो ऋण से मुक्त हो जाते हैं और कारोबार में दिन दुगनी रोजगार के हिसाब से तरक्की होती है। हम पूरे गांव में घूमे, कभी किसी कच्चे मकान को खंगाला, कई पक्के मकानों में रहस्य तलाशा, कई लोगों से मुलाकात की और उनके जवाबों के जरिए रहस्य खोलते गए। जो सीमा पर बने गांव होते हैं उन्हें सीमांत गांव कहा जाता है और वहां पर सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर पहुंचती हैं, क्योंकि अगर अखबार पहुंचेगा तो वो शाम तक पहुंचता है जबकि सुबह पहुंचना चाहिए, और ऐसे सीमांत गांव में रहना काफ़ी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता था। लेकिन भारत के अंतिम और अब प्रथम गाँव जिसे माणा कहा जाता है, वहाँ पर इस तरह का जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ना के बराबर था। पहले लोग इस तरह से छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे, अब यहाँ पर स्थिति बदल रही है, जो चुनौतियाँ थी वो खत्म हो रही हैं। अब हमें यहाँ पर अलग तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन जगह पर जब भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो वहाँ पर बहुत कॉस्टली ये स्ट्रक्चर होता है, और अब यहाँ पर हमें जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी दिखने लगी है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो अब अपने पक्के घरों को बनाने लगे हैं, पक्के घरों के अलावा यहाँ पर इस तरह से जो ईंट होती है वो यहाँ पर लाई जाती है ताकि इन घरों को पक्के बनाया जाए सके, और ये सब इसलिए क्योंकि जो सीमांत गांव है माणा, वहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति देखें या फिर जो इलाका देखें, वो बिल्कुल अलग है। तरक्की हुई
ये तय हुआ। लेकिन कुबेर की कृपा माणा पर ही क्यों पड़ी? वहां लोग ऐसा क्या करते हैं? जवाब में हमें कुबेर को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र बताए गए। ओम यथा मे कुबेराय विश्व सर्वणाय धन धान्याय पिते धन धान्य समृद्धि देही दापद स्वाहा। ये क्या है कि कुबेर को घर में धन का आगमन हो और धन को सुरक्षित है, ये इसका फर्स्ट मंत्र है। सेकंड है ओम कुबेर धन प्राप्ति मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम कमलाय व्यय वित्तेय सुराय नमः। थर्ड है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी नमः गृहे धनम्य पूर्यम पूर्यम नमः। मंत्रों के उच्चारण से ही हम अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। कुछ रहस्य तीखे सवाल और नजर पैनी रखने के बाद भी नहीं खुलते, लेकिन इस बार उनके एक जवाब में हमारी किस्मत छुपी थी। हाँ, पर ऐसा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है बेसिकली हम उसी पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, और जो कुटीर उद्योग कारोबार है उसमें हम वो भी हमारे आजीविका का एक प्रमुख साधन है। समझ तो हम गए थे, लेकिन सुराग को सबूत बनाने के लिए हमने बाजार का रुख किया। यहाँ पर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं है, तो जो करते हैं तो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर करते हैं, खासकर ऊलन का। जो ऊल है अपने भेड़ बकरियों से ही निकालते हैं। अच्छा। और उसका फिर हम उसको प्रोसेसिंग करके फिर उसके अच्छे से फिनाई करते हैं। फिनाई करने के बाद फिर इसको कॉम्बिंग करके और इसको बिल्कुल स्मूथ बना देंगे कि तो काटने के लायक हो जाए। और काटने का जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको सपोज आपको कपड़े बनाने हैं ऊलन कोट के लिए पैंट के लिए बनाने, और अगर आपको आसन बनाते हैं जो पूजा का आसन होता है, वो कहते हैं कि पूजा के आसन में अगर कोई अगर पूजा करेगा और साधना करेगा तो उसकी सिद्धियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इससे, है ना। हमने बाजार के हर कोने को खंगाला और रहस्य परत दर परत खुलता चला गया। लघु उद्योग यहाँ की परंपरा में शामिल है, लघु उद्योग यहाँ के घर घर में है, और इसी वजह से यहाँ पर जो भी तो आपको दुकानें दिखाई देंगी ये सब यहाँ पर मतलब हैंडमेड है। और ये इसलिए क्योंकि माणा के पूरे बाजार इस तरह के ऊनी वस्त्रों से सजे हुए हैं, और ये यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय भी है, और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि कुबेर का खजाना यहाँ पर है। तो कुबेर इन ऊनी वस्त्र उद्योग में भी शामिल है, और इसी वजह से ये लगातार यहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोगों को धन्यवाद देता है। अब माणा की समृद्धि की दूसरी वजह भी सुन लीजिए। यहाँ पर सबसे महंगी चीज जो मिलती है वो है जड़ी बूटियों का खजाना। इस माणा के पूरे आसपास के जंगलों में होता है, जो जड़ी बूटियाँ हैं दवाइयाँ बनती हैं। उसके अलावा यहाँ पर लोग इस बिजनेस के अलावा एक जड़ी बूटियों का भी ये कारोबार करते हैं। ये केदार जड़ी है जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर बेची जाती है। बालों को मजबूत करने की ये जड़ी बूटियाँ हैं। ये यहाँ पर ग्रीन टी खुद यहाँ पर बनाते हैं लोग, जो आसपास के गांव वाले हैं ये लोग खुद ग्रीन टी बनाते हैं। और ये नज़रबट्टू, ये लकड़ियाँ मामूली लकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये एक अपने आप में औषधि है, क्योंकि साइंटिस्ट भी मानते हैं कि पहाड़ों में खासतौर से माणा के आसपास के जंगलों में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, और ये महंगी होने की वजह से ही यहाँ पर खूब पैसा आता है, धनवान होते हैं लोग। ये भी एक बड़ा कारण यहाँ पर कुबेर का खजाना के लिए कह सकते हैं, क्योंकि लोग इसी को इसलिए मानते हैं कि यहाँ पर कुबेर का खजाना है। तो खजाना ये सब है। माणा की सुनहरी समृद्धि का एक रंग तीसरी कूची से भी निकलता है, और वो है यहाँ बढ़ता पर्यटन। बोले हम दान धर्म नहीं लेते, मेहनत का खाते हैं। अच्छा, हमारे पास से कुछ ले लो। कुछ नहीं, हमसे कुछ ले लो। हम दान धर्म नहीं लेते, मेहनत का खाते हैं। क्या नाम है आपका? मधुकर जगन्नाथ गायकर। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से। ये गांव के बारे में कैसे पता चला आपको? टूरिस्ट से मालूम पड़ा कि भारत की सबसे पहला गांव है ये, तो वहाँ पे जाना ही चाहिए। यहाँ पे पहली चाय की दुकान है ऐसे भी मालूम पड़ा, वो भी देख ली, वहाँ की चाय भी टेस्ट कर ली। अच्छा।
और ये यहाँ की जड़ी बूटी भी बहुत फेमस है, ऐसे अभी अभी मालूम पड़ा है। वहाँ से कुछ हो सके तो हम लोग साथ में ही लेके जाएंगे। हमने इतिहास के पन्ने खंगाले, माणा गांव के लोगों से बात की, यहाँ के व्यापार और पर्यटन को समझा, और जो हमें समझ आया वो आपको भी बताते हैं। ६९ के भारत चीन युद्ध के बाद माणा और तिब्बत के बीच व्यापार थम गया। तब माणा गांव के लोगों ने गर्म कपड़े और जड़ी बूटियां बेचने का काम शुरू किया। वक्त के साथ साथ वहां पर्यटन तेजी से बढ़ा, जिससे बाजार से अच्छी कमाई शुरू हो गई। उस कमाई से गांव वालों ने गेस्ट हाउस और होटल बनाए, उससे कमाई में और इजाफा हुआ। शायद ये सारे बदलाव उनकी समृद्धि की वजह बन गए। अगर चमत्कार का दावा सच है तो यह भी सच है कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं जाता, यानी मां लक्ष्मी या कुबेर की कृपा तभी बरसेगी जब किसी की कोशिश में मेहनत का रंग घुला होगा। तब वो माणा गांव हो या दुनिया की कोई भी और जगह, फर्क नहीं पड़ता। जा सकें तो माणा जरूर जाएं, कुबेर की कृपा के लिए नहीं, बल्कि माणा की प्राचीनता, उसकी खूबसूरती और पौराणिक प्रमाणों को अपनी आंखों से देखने के लिए।